अस्सलाम वालेकुम अनिला रानी ब्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं असली घी से चूड़ी, रोटी की चूड़ी बना रहे हैं। ये मैंने असली घी बनाया था तो ये नीचे पनीर बच गया था। बर्तन में घी भी बहुत होता है तो इसमें हम डालेंगे रोटी छोटी छोटी करके। ये देखिए जी रोटी ली है मैंने, बेशक रात की पड़ी हो, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इस तरह हम बर्तन में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम चीनी, जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से ले लीजिएगा। चीनी डाल के तो इसको हम इसी तरह नीचे आँच जला के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ी मज़ेदार, बच्चों के, मेरे बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं जैसे घी की चूड़ी। तो आज घी बनाया था तो मैंने कहा चलो ये भी अभी शेयर कर दूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके चीनी जो घी सारा अच्छी तरह रोटी पे लग जाएगा। ये बड़ी मज़ेदार बनती है, बच्चे शौक से खाते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको किसी बर्तन में निकाल लीजिए, उसके बाद खाइएगा गरम गरम, बड़ी मज़ेदार बनती है। देखिए सारा बर्तन में सो पनीर भी उतर गया, अच्छे से साफ हो गया बर्तन। ये देखिए चूड़ी तैयार हो चुकी है हमारी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी यही चस्का मस्का है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।